नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमन टॉपिक लिकोरिया, जो कि महिलाओं में होने वाली एक सामान्य सी एक प्रक्रिया है या बीमारी भी कह सकते हैं, क्योंकि लिकोरिया जो होता है वो एक्चुअली होता तो नेचुरल डिस्चार्ज है, क्योंकि लुब्रिकेशन का काम जो होता है जो हमारे जेनेटेलजियास में जो फीमेल्स फैक्टर में अगर हम बात करें तो लिकोरिया एक कॉमन फिनोमिना माना जाता है। लेकिन कई बार जब ये लिकोरिया जरूरत से ज़्यादा होने लग जाता है तो कई बार परेशान जो स्थिति होती है पेशेंट्स की, वो अपने शब्दों में बयां करते हैं कि सर पेन बहुत हो रहा है या फिर उसके कारण क्रैम्प्स आ रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से गीलापन लगता है या एक तरीके से अनइजीनेस डिस्कम्फर्ट के सेंसेशन हो सकते हैं। पर कई बार लिकोरिया किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण, और ये भी हो सकता है कि कोई हार्मोन की डिसऑर्डर के कारण, एस्ट्रोजन की प्लस माइनस होने की स्थिति में, या हार्मोन्स के अलावा कई बार आयरन की कमी के कारण, वीकनेस के कारण, इस तरीके से भी कुछ कारणों से लिकोरिया की स्थिति सामने आ सकती है। पर ज़्यादातर लिकोरिया का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर किसी कारण से अगर लिकोरिया अगर अपने को तकलीफ ज़्यादा देने लगे और बॉडी के रिस्पॉन्स को डिस्टर्ब करने लगे, तो फिर आपको होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी पर्याप्त सॉल्यूशन दिए गए हैं। और अगर होम्योपैथी में बात करें तो चूंकि होम्योपैथी का जो विज्ञान है वो नेचुरल ट्रीटमेंट करता है, आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अंदर से मेंटेन करता है, आपको इन्फेक्शन की जो प्रवृत्ति है उससे आपको बचाने के लिए, आपको इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाकर आप अपनी जो कंडीशन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से लिकोरिया के बीमारी से फाइट कर सकते हैं। और अगर हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी पे जब बात करते हैं, जो कि मेरा एक रिसर्च है इंडिया से, तो हम थोड़ा डोज को ज्यादा रखते हैं और जिस हिसाब से सिवियरिटी आती है, क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसा भी बताते हैं कि कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, तो इस तरीके से जो अगर इतने समय की अगर तकलीफ है तो हो सकता है कि हमें 5 बूंद 10 बूंद की होम्योपैथी से थोड़ा ऊपर जाकर थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़े। और ऐसे केसेस के लिए जब हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमारा ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसको हम यूज करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी बढ़ाते हैं और इस बीमारी की पैथोलॉजी के हिसाब से जो सिवियरिटी है उसको भी जल्दी से जल्दी कवर करने की स्थिति में आ पाते हैं। और इसी हिसाब से जो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, जो PID के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम साथ में कवर करते हैं। तो पैथोलॉजिकल अगर कंडीशन कुछ और साथ में होती है, कई बार फाइब्रॉइड, बच्चेदानी में गठान, या इस तरीके से ओवरी में सिस्ट, या कोई पॉलीप या कुछ अन्य कंडीशन के कारण, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ बहुत क्रिटिकल कंडीशन, कई बार कैंसर की स्थिति भी होती है जो फीमेल जेनिटेलिया में पाई जाती है, उसके कारण भी लिकोरिया एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो अपना मेन कॉज है उसको आप ठीक करें और साथ में आपके बॉडी रिस्पॉन्स के साथ लिकोरिया के लिए भी आप जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है उसका फायदा लेकर अपनी रिकवरी ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहा था कि लिकोरिया के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना घर का काम अच्छे से करें, आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, आप दवाइयों से इसको ठीक कर सकते हैं और बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल और एक फास्ट ट्रीटमेंट है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो हमारा तरीका है, इससे आप रिकवरी भी ले सकते हैं और अपना रिस्पॉन्स बढ़ाकर अपना सम्मान के साथ, आप अपना कॉन्फिडेंस लेकर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि इस बीमारी से परेशान न होकर हम इस पर विजय प्राप्त करें और जितना जल्दी हो सके इसे ठीक करें और अपना सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकें। फिजिकली, मेंटली और सोशली हम वेलबींग लेकर इसको हेल्थ की वेल डेफिनेशन की जो परिभाषा है उसको हम साबित भी कर सकें और कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी कर सकें। इसी उम्मीद से कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।